बेलगाम में रेत माफियाओं की वजह से जिले की चमचमाती सड़कें लगातार खराब हो रही हैं, जिससे लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसका फायदा रेत ठेकेदार उठा रहे हैं। भवानीपुर के सरपंच ने बताया है कि सड़कों की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है और रोजाना 300 से 400 हाईवा और ट्रैक्टर यहां से गुजरते हैं, मगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते सड़कों की हालत जर्जर होती जा रही है। ओवरलोडिंग गाड़ी चलने से तो रोड दबेगी, नीचे टूट जाती है, तो वही है रेत गाड़ी जो कि 35 टन 40 टन गाड़ियां चलती है, रेत गाड़ी एक दिन में 100-150 गाड़ियां निकल जाती है, तो उसी की वजह से है बार बार किसी को आघात करते रहने से वह जगह लचीला हो जाता है, उसी प्रकार बार बार ओवरलोडिंग गाड़ी चलने से रोड टूट जाती है। कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ कितने में भराई होती है आपकी? 14-15 हज़ार। और वहाँ कितने में बेचते हो आप लोग? 30 हज़ार। 30 हज़ार में कितने बार ले जाते हैं एक बार में? हाँ, 800-900 एक चक्कर जाते हैं। पिछले 3 दिनों से दमोह के बच्चे